हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी की पहली कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, और वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजनों का अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास UKG और फर्स्ट के लिए है। वैसे आप लोग LKG में भी वर्णमाला को पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से हम लोग वर्णमाला दोहराएंगे, उसके बाद आगे के पाठों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं वर्णमाला पढ़ने। तो बच्चों, वर्णमाला में हम सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे। स्वर मतलब आ से लेकर अह तक जो अक्षर होते हैं वर्णमाला में, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों को बोलते समय हमारे मुंह से हवा बाहर की ओर निकलती है, और ये अपने आप में मूल होते हैं, इनमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम वर्णमाला में स्वर का अध्ययन करते हैं। देखिए, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह से खाली। तो इस तरह से हमने इन सभी स्वरों का उच्चारण किया। तो एक बार फिर से देखिए, अ आ, इ ई, उ ऊ, री ए आई, ओ औ अंग अह। तो बच्चों, इस तरह से आपको सभी स्वरों को बार बार बोलकर अभ्यास करना है। समझ में आया? तो वर्णमाला में स्वर को हम एक स्वर कविता के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो चलिए स्वर कविता पढ़ते हैं। अ से अनार, आ से आम, बच्चों कर लो अपना काम। ई से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, सब बच्चों पहनो पतलून। ऋ से ऋषि, लगाए ध्यान, सब करते उनका सम्मान। ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, बच्चे होते घर की रौनक। ओ से ओखली, औ से औरत, प्यारी लगती बच्चों की सूरत। अंग से अंगूर, एह से खाली, बच्चे बजाओ मिलकर ताली। तो इस तरह से आप इस कविता को गा के अच्छे से अक्षरों को याद कर सकते हो। इसमें आपको अ से लेकर अह तक सारे स्वर दिए हुए हैं। तो आप 2-3 बार इस कविता को दोहराएंगे तो आपको कविता पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ स्वर भी याद हो जाएंगे। तो स्वर के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन देखिए, क से कबूतर, खा से खरगोश, ग से गमला, घ से
घड़ी, ण खाली, चासे चम्मच, छासे छाता, जसे जग, झसे झंडा, ये खाली, टसे टमाटर, ठसे ठठेरा, डसे डमरू, ढसे ढक्कन, णसे खाली, तसे तरबूज, थसे थर्मस, दसे दवात, धसे धनुष, नसे नल, पासे पतंग, फसे फल, बसे बकरी, भसे भालू, मासे मछली, यसे यज्ञ, रसे रस्सी, लसे लट्टू, वसे वक, शशे शलगम, शशे षटकोण, और ससे सपेरा, हसे हिरन, क्षसे क्षत्रिय, त्रसे त्रिशूल, और ज्ञासे ज्ञानी। समझ में आया बच्चों? तो आपको इनको बार बार दोहराना है, रिपीट करना है, और अपनी मम्मा के साथ में बैठकर अपनी कॉपी में लिखना है। समझ में आया? तो एक बार फिर से हम लोग इसको रीड करते हैं। देखिए, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह क्ष त्र ज्ञ। तो आपको समझ में आया? इनको कहते हैं व्यंजन। व्यंजनों को भी आप 2 से 3 बार पढ़ोगे और अपनी मम्मी के साथ बैठकर कॉपी में लिखोगे, फिर आप आसानी से व्यंजन सीख सकते हो। ठीक है? तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज स्वर और व्यंजनों को पढ़ा, जिसको हम कहते हैं वर्णमाला। तो अब हम उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। ये आपके लिए गृह कार्य है, इसको आपको अपनी मम्मा के साथ बैठकर कॉपी में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले खाली स्थान भरिए। इसमें आपको स्वर लिखे हुए दिए हैं और बीच में ब्लैंक जगह दी हुई है, उसमें आपको जो छूटे हुए स्वर हैं उनको भरना है। जैसे कि आ के बाद में कौन सा आता है वो लिखना है, फिर ई के बाद कौन सा स्वर आता है वो लिखना है, फिर ऊ के बाद कौन सा स्वर आता है, इस तरीके से आपको ये स्वर पूरे लिखने हैं। समझ में आया? आगे फिर और भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको पढ़े। देख देखिए आगे अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर आपको फिर से खाली स्थान दिए हुए हैं और इन खाली स्थानों में आपको व्यंजन भरने हैं। यहाँ पर व्यंजन लिखे हुए हैं और इन व्यंजनों में
आपको जो भी व्यंजन दिया हुआ है उसके आगे वाला व्यंजन लिखना है। जैसे क के बाद क्या आता है, ख, तो यहाँ क्या लिखना है, ख। और इन सबको आपको अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास करना है। समझ में आया? अच्छे से अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में साफ साफ लिखना है। जैसे ग के बाद घ, इस तरीके से आपको पूरा व्यंजन करने हैं, सबके खाली स्थान भरने हैं। आगे और भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें आपको क्या करना है, वर्णमाला लिखनी है। वर्णमाला में अ से लेकर अह तक स्वर लिखने हैं और उसके बाद में आपको व्यंजन लिखने हैं। क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन लिखने हैं। समझ में आया? तो पहले आपको स्वर लिखने हैं अ से अह तक, उसके बाद में व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक। इस तरह से आपको इस वर्णमाला का अच्छी तरह से अध्ययन करना है, अभ्यास। यदि आपको वर्णमाला अच्छे से आएगी तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।